सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार, रिएक्शन वीडियोस को लेकर या फिर रिएक्शन चैनल को लेकर अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि जितने भी ऐसे यूट्यूबर जो कि रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं या जिनका रिएक्शन से रिलेटेड चैनल है, क्या उनके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है या नहीं आता है, या फिर वो ऐसा अपने यूट्यूब चैनल पर क्या करते हैं या ऐसा अपनी यूट्यूब वीडियोस में क्या करते हैं जिसकी वजह से उनके यूट्यूब चैनल पर इतनी सारी वीडियोस रहती है जहां पर वो दूसरों के वीडियोस को लेकर अपना कंटेंट बनाते हैं। इवन उनके पूरे वीडियो में दूसरे व्यक्ति का कंटेंट शामिल होता है। इवन कई बार तो मुझसे लोग ये भी पूछते हैं कि मैंने काफ़ी सारे क्रिएटर को देखा है कि उन्होंने एक कॉपीराइटेड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, लेकिन जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उसी सेम कॉपीराइटेड वीडियो को अपलोड किया रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। तो आखिर उन्हें क्यों नहीं आया, मुझे क्यों आ गया। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इन सारी चीजों के जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं या यदि आप भी इस तरह का कंटेंट तैयार करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वीडियो कैसे बनाते हैं जिनका भी रिएक्शन चैनल होता है या जो भी रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। फिर मैं बात करूंगा उस पर कॉपीराइट को लेकर रूल क्या है, और फिर मैं लास्ट में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। मेरा, आपका या जितने भी आपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन वाले यूट्यूब चैनल देखे होंगे, जितने भी लोग यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर रिएक्शन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, बेसिकली उनके पास दो तरीके होते हैं किसी भी व्यक्ति की वीडियो को लेकर उस पर रिएक्शन देते हुए खुद का वीडियो बनाने के। पहला तरीका तो यही है कि यदि मान लीजिए आप किसी क्रिएटर को जानते हैं जिसका वीडियो या कंटेंट आप इस्तेमाल करने वाले हो, तो आप यहाँ पर उससे खुद से परमिशन ले सकते हो डायरेक्टली, और आप उनसे इस बारे में पूछ सकते हो कि आप उनका वीडियो इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं कर सकते, और उसके बाद आप उस पर वीडियो बना सकते हो। अब क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंटेंट होते हैं और बहुत अलग अलग टाइप के लोग और क्रिएटर होते हैं या कॉपीराइट ऑनर हो सकते हैं, हर किसी से आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, हर किसी से आप परमिशन नहीं ले सकते, तो ऐसे में आपके पास आता है दूसरा तरीका जो कि है YouTube की फेयर यूज पॉलिसी या फेयर यूज गाइडलाइन, जिसके तहत आप किसी भी क्रिएटर को बिना बताए भी जो उनका कंटेंट है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो यदि आप उनके कंटेंट का इस्तेमाल फेयर यूज के लिए कर रहे हैं। बट उसकी शर्तें यही है कि आपको कंटेंट अपना फेयर यूज के तहत बनाना पड़ेगा, जहां पर जो ओरिजिनल कंटेंट है आपको उसमें अपनी खुद की वैल्यू ऐड करनी होगी और उसे एक नए कंटेंट के रूप में ट्रांसफॉर्म करना होगा, जैसा कि रिएक्शन वीडियोस में होता है। तो इस वजह से वो वीडियो एक नए वीडियो के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इसी वजह से यूट्यूब ऐसे कंटेंट को अलाउ करता है। और जिन लोगों के भी रिएक्शन चैनल है वो यहाँ पर इजीली यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मोनेटाइज होते हैं यदि उनका कंटेंट इस तरह का होता है जो कि मोनेटाइज करने लायक हो, तो YouTube भी ऐसे चैनल को मोनेटाइज कर देता है। तो दोस्तों, तरीके तो दो ही होते हैं, चाहे यहाँ पर कोई नया यूट्यूबर हो, कोई पुराना यूट्यूबर हो या कोई किसी भी तरह का क्रिएटर हो, तरीके सिर्फ दो ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं इस पर कॉपीराइट पॉलिसी क्या है। यदि आपने फेयर यूज के तहत इस्तेमाल किया है तो क्या आपको उसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता, या फिर जो अदर क्रिएटर जिन्हें आपने देखा है वो कॉपीराइट से कैसे बच जाते हैं। तो देखिए, किसी भी कंटेंट को यदि आप फेयर यूज के तहत इस्तेमाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो YouTube की नज़रों में वो वैलिड कंटेंट होता है, YouTube उसे मोनेटाइज कर देता है। लेकिन कॉपीराइट के केस में ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर आपके YouTube चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है और आपने किसी का कंटेंट भले ही फेयर यूज के तहत भी इस्तेमाल किया था, उस केस में कॉपीराइट स्ट्राइक को हटवाना या रिमूव करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस होता है, और कई बार तो हो सकता है कि आपको इसके लिए लीगल बैटल भी लड़नी पड़े या आपको लीगल तरीके से ये प्रूफ करना पड़े कि आपने उनका कंटेंट फेयर यूज के तहत ही इस्तेमाल किया था। तो ऐसे में आप, चाहे आप किसी का वीडियो इस्तेमाल करो या कोई दूसरा क्रिएटर करे या कोई तीसरा क्रिएटर करे, फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉपीराइट जो रूल्स हैं या लॉस हैं वो सबके लिए सेम है, और कॉपीराइट ऑनर जिसे चाहे उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। अब ये उसके ऊपर होता है कि वो किसको कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहता है। अमूमन यदि कोई रिएक्शन चैनल है और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाता है और उसकी एक बड़ी ऑडियंस हो जाती है, तो इतना जल्दी कोई भी व्यक्ति उसको ऐसे डायरेक्ट उठ के कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता है, क्योंकि अब उसको भी समझ में आ गया है कि सामने वाले व्यक्ति की भी अपनी एक ऑडियंस बेस है। तो इस वजह से अमूमन जो बड़े क्रिएटर होते हैं या जो बड़े चैनल्स होते हैं उनको इतनी जल्दी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है, लेकिन कोई नया यूट्यूबर या नया क्रिएटर होता है उसको जल्दी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये अभी एक नया क्रिएटर है या इसकी अभी उतनी ज़्यादा चैनल की पॉपुलैरिटी नहीं है, ना ही इसके पास इतनी ज़्यादा ऑडियंस है। तो इस वजह से कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि सेम वीडियो किसी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक
पड़ जाता है। तो इस केस में देखिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं, वो आपको कॉपीराइट देता है, तो उसके सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सब लोग कंटेंट जो है वो इसी तरह से बनाते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, किसके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है। तो अब बात करते हैं कि बाकी लोग जो है वो वीडियोस को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो देखिए बेसिकली दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप YouTube का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लें, जिसके तहत YouTube की आप किसी भी वीडियो को आसानी से अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो मैं आप सभी लोगों को अपनी YouTube वीडियोस में नहीं बता सकता, उसे आप इजीली YouTube या इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जहां से आप पता चल जाएगा कि YouTube के प्लेटफॉर्म पर किसी की भी वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली लोग उसी तरीके से डाउनलोड करते हैं क्योंकि तरीका ही वही है YouTube वीडियो को डाउनलोड करने का। उसके अलावा डायरेक्टली YouTube पर तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है जिससे आप किसी की भी वीडियो डाउनलोड करके अपने गैलरी में भी डायरेक्ट सेव कर लें। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।